ये देखो दोस्तों, जैसे स्वीट कॉर्न हम लोग बाज़ार में खाते हैं ना, वही रेसिपी लेकर आया हूँ तीन वैरायटी में। एक तो हम लोग वो बटर वाली बनाएंगे अमेरिकन कॉर्न, उसी के साथ में मैं चीज़ एंड चिली फ्लेवर भी बनाऊंगा और मसाला वाला फ्लेवर भी है। तो और मेरे चटोरों कैसे हो आप? चलो बनाते हैं अमेरिकन कॉर्न तीन फ्लेवर में। पहले कॉर्न को स्टीम करके रेडी करते हैं दोस्तों। उसके लिए आप ऐसी फ्रोज़न वाली यूज़ करिए, ये बेस्ट रहेगी। मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैं कॉर्न डाल रहा हूँ। तीन फ्लेवर बना रहा हूँ इसलिए मैंने 3 कप कॉर्न ली है। और इसको स्टीम करने के लिए पानी डालेंगे हाफ कप जितना। तो 3 कप कॉर्न है, आधा कप पानी है। अब गैस चालू करके कॉर्न को टिकाते हैं और एक बार मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ ताकि सारी कॉर्न में पानी लग जाए। और फिर ढक्कन लगाकर इसको मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट बाद ही आप देखोगे कॉर्न है ना पूरी फूल चुकी होगी। और तब एक बार हम लोग ढक्कन हटाकर एक बार इसको चला देंगे और वापस से ढक्कन लगा देना है। हम लोग अभी इसको स्टीम कर रहे हैं ना, तो ढक्कन लगा कर ही इसको पकाना है। टोटल 5 मिनट लगती है। आपको लास्ट में ऐसा रिजल्ट मिलेगा, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, नीचे सूख गई है। अब अपनी ये कॉर्न रेडी है, तो फर्स्ट वाला फ्लेवर बनाते हैं। तो फर्स्ट फ्लेवर अपना क्लासिक बटर वाला है। उसके लिए मैंने ये बोल में कॉर्न निकाली है। कढ़ाई में मिक्सिंग मत करिएगा दोस्तों, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। बोल में मैंने 1 कप कॉर्न निकाल ली, इसमें डाल देंगे बटर। बटर अगर फ्रिज का ठंडा वाला हो ना तभी वो फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो इसमें बटर डाल देंगे, साथ ही में मैंने ये नमक और काली मिर्च पाउडर भी डाला है। अब बस ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह फेंटना है। तो कॉर्न होनी चाहिए उबलती हुई स्टीम्ड गरम गरम, और बटर होना चाहिए ठंडा, और नमक और काली मिर्च डालकर आपको बस मिलाना है। और ये अपनी क्लासिक बटर वाली स्वीट कॉर्न रेडी है। अब इसको सर्व करते हैं। सेकेंड वाला फ्लेवर है अपना चीज़ एंड चिली फ्लेवर। इसके लिए मैंने गैस वापस चालू कर दी है ताकि कॉर्न पूरी गर्म हो। हम लोग को गर्म गर्म चाहिए दोस्तों। और फिर इसको हम लोग बोल में निकाल लेंगे। इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी छोटी साइज़ की थी, साथ में हरा धनिया। और चीज़ तो डलेगी, तो मैं यहाँ पर प्रोसेस चीज़ क्यूब यूज़ कर रहा हूँ। बस एक पीस मैंने इसमें ग्रेट कर दी, साथ में आधा चम्मच जितना बटर और नमक। इन सभी चीज़ों को डालकर इसको बढ़िया तरीके से फेंटना है। इसमें ट्रिक यही है दोस्तों, अपने कॉर्न और बटर को बहुत अच्छी तरह फेंटना पड़ता है। और कॉर्न गर्म होनी चाहिए, इसमें तो चीज़ भी है, तो जब चीज़ मेल्ट होने लगती है ना तब ये वाला रेडी हो जाएगा। चीज़ और बटर से इसमें एकदम स्मूथ टेस्ट मिलता है, और साथ में मिर्ची से वो तीखा वाला फ्लेवर। आप ये ट्राई ज़रूर से करना, मेरा तो यही वाला फेवरेट है। चलो अब थर्ड वाला फ्लेवर बनाते हैं। तो कॉर्न ठंडी हो गई है, मतलब हो गई ना 5 मिनट जितनी। तो अभी मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ ताकि इसको वापस हीट कर सके। ढक्कन लगा के मैंने इसको एकदम बढ़िया से सिझा लिया है, अभी एकदम हीटेड है दोस्तों। अब इसको बनाते हैं मसाला कॉर्न। उसके लिए मैंने बोल में डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ही चाट मसाला, 1 चम्मच बटर, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया है, 1/4 चम्मच जितना नींबू का रस और नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह फेटेंगे और अपनी मसाला कॉर्न रेडी हो जाएगी। रेसिपी बहुत इजी है दोस्तों, बस आपको कॉर्न को स्टीम्ड और गर्मा गर्म रखना है और बाकी तो बस फटाफट मिक्स करने का काम है। ये आप देख सकते हो अपनी मसाला कॉर्न रेडी है, कितनी बढ़िया लग रही है ना, एकदम चटपटा वाला स्वाद मिलता है इसमें। कैसी लगी रेसिपी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक बटन, लेकिन आपको ट्राई करना ज़रूर है ये वाली रेसिपी, स्पेशली चीज़ एंड चिली वाली। ट्राई कर मज़ा आ जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा लाल कलर का, या फिर फॉलो बटन होगा, उसको क्लिक ज़रूर करिए। और अगर घंटी आती है तो उसको भी टंग करना है ताकि आपके फ़ोन में घंटी बजे जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ। आज के लिए इतना ही।